हमने सोचा था कि सिर्फ वही है, मतलब पाव और वो, इसमें प्याज और ऐसे करके दिया। ये मिसल पाव है शायद इन लोगों का, और ये दो पाव है, काफी सही लग रहा है। कल हम लोगों ने पनीर कबाब किया था, आज पनीर टिक्का है। वैसे हम लोगों को मलाई ग्रेवी बहुत पसंद है, इसलिए फिर से मलाई ग्रेवी में है, और भगवान कृपा से अच्छा ही होगा। तो अभी खाते हैं, मज़े करते हैं, और आप भी वीडियो में देखिए। और ये होटल बहुत सही है, रेट भी सही है, सब कुछ बढ़िया है। आप लोग यहाँ पे आए हैं गांधीवली में, तो यहाँ ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, देव का कहना है जैसा मलाई वैसा एकदम, सच में बहुत, हमने भी अभी खाया है, बिल्कुल मलाई की तरह है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है पनीर जल फ्रिजी, कल वाइट ग्रेवी खाई थी और अभी पनीर टिक्का भी वाइट ग्रेवी में था, इसलिए अभी ये ऑर्डर किया। ये है अपने दाल तड़का, और कल रोटी थी बड़ी बड़ी थी, हमने चार कर दी थी, हालत ऐसी हो गई थी, तो फिर ये है अभी आज एक ही थी, और पेट तो अच्छा ही भर जाएगा। हम लोग खाते हैं, इन्जॉय करते हैं, बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में। अब हम लोग जो है खाना खा लिया है, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, गाड़ी में बैठे थे हम लोग, आते बातें कर रहे थे, देव को भी नींद आने लगा, हमको भी नींद आने लगा था। ये अभी ये समुंदर के साइड से जा रहे हैं, ये देव कहाँ पे है, ये हाजी अली की तरफ जा रहे हैं वैसे तो हम लोग, तो ये रास्ते में ये समुंदर है, तो देख के अच्छा लगा, सोचा दिखा दें आप लोगों को। अभी देखो बैक कैमरा करके दिखाते हैं, देखिए इस एरिया में सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। हम लोग आए तीन दिन पहले, मतलब थ्री टाइम्स आ चुके हैं ये जो क्या बोलते हैं ब्रिज क्रॉस करके, तो मैंने तीनों दिन वीडियो नहीं बनाया, ऑफिस से आके थके हुए थे। ज़्यादातर ये होता है कि दिन का होता है तो थके होते हैं, तो फिर हम सो जाते हैं, नींद जैसा आने लगता है, तो फिर मेरा मन नहीं किया वीडियो बनाने का। कल भी हम लोग शायद इसी रोड से गए थे, तो कल भी हम लोग इसी रोड से गए थे, तब भी शायद मैंने बनाई नहीं, बनाई याद नहीं। अमिताभ बच्चन का घर भी पड़ा था यार, और हम लोग सिद्धि विनायक आए थे उस दिन भी ये वाला पड़ा था। कल हम लोग जुहू की तरफ गए थे, वहाँ पे वो वसाबी करके है जापानीज रेस्टोरेंट, वो देखा था सामने से। हमें जापानीज का इतना कोई खास क्रेज नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं खाया। मेरे को अपना भैया थोड़ा इंडियन वाला या फिर जो है अपना इटालियन सही लगता है, बाकी एक दो बार ट्राई किया, हमें कुछ समझ नहीं पाया, मतलब ठीक है फाइन। वो जापानीज में थोड़ा वो कच्ची सब्जियां रहती हैं, तो मेरा वो नहीं सूट करता, तो इसलिए हम नहीं खाते हैं। बाकी देव को भी कोई खास पसंद नहीं है, तो इसलिए हम नहीं खाते ऐसे। क्या कह रहा है, यहाँ पे मलाबार हिल्स का एरिया पड़ता है, यहाँ पे मलाबार हिल्स वाला एरिया पड़ता है। आज भी हम लोगों ने उसी होटल में खाया था सरोवर में, उसका खाना बहुत अच्छा है। वेज खाया था, मैंने देव को बोला आज वेज खाते हैं, तो मेरा वेज खाने का मन था, तो दोपहर में आज भी वेज खाया। शाम को कल भी देव का चिकन हो गया था, देव चिकन खाया था तंदूरी वाला, तो फिर तो दोपहर में भी कल वेज खाया, आज भी वेज खाया, मेरे को अच्छा लगा, उसका खाना बहुत अच्छा है। हम तो देव को बोले मतलब टेस्टलेस नॉन वेज खाने से अच्छा है कि अच्छा टेस्टी वेज खाओ, और ये लोग का वेज बहुत अच्छा है, जैसे हम लोग नॉर्थ में मिलता है, गुजरात में और इधर महाराष्ट्र में भी वेजिटेरियन बहुत प्यारा बनाते हैं ये लोग भी। जैसे कोलकाता में आपको नॉन वेज ज़्यादा बेटर मिलेगा, और अगर वेज भी मिलेगा तो आपको बंगाली बेस पे मिलेगा। यहाँ पे जो है अपना जो नॉर्थ का टेस्ट मिलता जुलता है थोड़ा सा ऐसा, हाँ मेरे को अच्छा लगा, खाना अच्छा है। देव तो पहले हाजी अली हो आया, दर्शन कर आया है, अब हम जाएंगे वहाँ पे, फिर देखते हैं भगवान कहाँ कहाँ ले जाते हैं, वहीं दर्शन करेंगे, देखेंगे। बाकी कल था महालक्ष्मी देवी टेंपल जाने का, लेकिन देव को थोड़ा काम में लेट हो गया था, तो फिर आते आते यहाँ पे तो आने में 2 घंटा लग जाता है, वो हम लोग शाम को कितने 5
अप्रॉक्स जो भी है, तो जय मैम की वजह से वो पहुँचते पहुँचते वो जो जुहू बीच पे तो शाम हो गई थी। लेकिन हमने सोचा पता नहीं कैसा लगेगा क्या, लेकिन वहाँ पे भी हम लोग बैठे, ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई, थोड़ा मन शांत हुआ वहाँ पे बैठ के, मतलब अच्छा लगा। वो सब लोग बैठे हुए थे वो चटाई वटाई डाल के, तो हमने भी सोचा चलो देव से बोला, हमने कहा हमें बैठना है, मतलब ऐसे ही बैठना है, मतलब चटाई पे बैठना है। फिर चटाई पे बैठे, अच्छा रिलैक्समेंट हुआ, फिर जैसे पेट भरा था खाना खा के करते, लेकिन फिर वहाँ पे बैठ जाते हैं वो लोग, फ्री में बैठने देते हैं, लेकिन फिर आप इतनी देर बैठोगे फिर वो लोग पूछते हैं बार बार क्या खाओगे, तो फिर लगता है कि चलो थोड़ा कुछ ट्राई कर लेते हैं। तो भूख खास थी नहीं, तो हम लोगों ने ये काला खट्टा वाला जो होता है वो खाया था हमने पहले, नहीं हम तो पहले वो रोज़ वाला खाते थे, देव काला खट्टा फ्लेवर खाता है, तो हम भी वही ठीक खाना खाया मैंने, और जो है वो जो अपने फालूदा खाते हैं फिर वो फालूदा खाया थोड़ा सा। फिर उसके बाद फिर वो वाला जो मार्केट का शॉर्ट्स डाला है आप लोगों ने शायद देखा होगा, तो वो पूरा जो एरिया है वो सेंटा क्रूज़ वाला जो एरिया है, वो सेंटा क्रूज वाला एरिया को देखा जाके, उसमें काफ़ी कुछ है खाने का, खजाना है पूरा खाने का। जो हम लोग जिस साइड पे थे वो थोड़ा सा मतलब 20-30 रुपए हर चीज़ थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे जो है लोग आपको कम मिलेंगे, मतलब लोग भी मिलेंगे, मतलब पीपल टू पीपल वेरी कर रहा है वहाँ पे, ये चीज़ है मतलब। और वहाँ पे जो है आपको बहुत लोग मिलेंगे, जैसे 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 भीड़ भाड़ वाला इलाका पसंद है उसको वो अच्छा लगेगा सेंटा क्रूज वाला जो है, तो वहाँ पे आप आराम से, उसका प्राइस थोड़ा सा कम है खाने आने का, तो आप वहाँ पे आराम से खा सकते हैं, अपना एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत वैरायटी है खाने की, वहाँ पे हमने पान खाया था, तो बाकी पाव भाजी, फलूदा, ये सब बहुत कुछ है, बहुत कुछ फ्रेंकीज, कितना कुछ है वहाँ पे, मतलब उतना तो कवर भी नहीं किया हमने, क्यों खाया भी नहीं था, क्या कवर करते हो। फिर बस थोड़े देर था, हम लोग का उबेर बुक हो गया था तब, तो इसलिए नहीं किया था। बाकी बढ़िया है, आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे, ट्राई कर सकते हैं, अच्छा है यहाँ पे एक्सप्लोर करने को। बाकी हम देख रहे थे वो जो कोलकाता फूडी हैं वो भी अभी बिजी जो है वो भी अभी यहीं पे ही घूम रहे हैं, तो हम ऐसे देव को बोल, मतलब हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं, वो जो उसको बोलते हैं आओ चलो मिलते हैं ऐसे मजाक मजाक में, तो वो भी शायद अभी यहीं घूम रहा, हम लोगों ने तो आज वीडियो देखी नहीं उनकी अभी, जो भी है। बाकी हम लोग को तो मज़ा आ रहा है, भगवान कृपा से अच्छा ही है। बाकी आज थोड़ा देख लेते हैं, लग ही नहीं रहा, संडे तो पूरा निकल ही गया अभी जो है, हाँ संडे है तो पता नहीं चला संडे सुबह से अभी, फिर कल परसों ऑफिस, फिर उसके बाद हम लोग जो है वेनसडे को, हाँ ट्यूसडे को ही है हम लोग का ट्रेन, तो वेनसडे को कोलकाता, और फिर देखते हैं फिर भगवान कब बुलाते हैं फिर आते हैं। तो ये हुआ कि जो हम लोग जिस उबेर में थे वो भैया बहुत अच्छे थे, तो उनके साथ बात करते करते ही सारा टाइम बीत गया, तो पता ही नहीं चला, तो लगा भी नहीं चलो वीडियो बनाते हैं, मतलब बात कर रहे थे तो डिस्कस करते 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 इधर उधर का डिस्कशन करते रहे, तो पूरा टाइम बीत गया था, तो फिर कल बनाना भूल गया था, तो भूल क्या गया था, मज़ा आ रहा था बात करने में, सोचा चलो मोमेंट एंजॉय कर लेते हैं। बाकी आज भी अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ा रास्ता हम सोचे थोड़ा खाली, हम लोग बैठे थे, देव को भी हल्का नींद आ रहा था, सोचे चलो थोड़ा वीडियो बना देते हैं, मेरा बात करने का मन कर रहा था, तो इसलिए हमने सोचा वीडियो बना देते हैं, बात हो जाएगी हम लोगों से। इसलिए फिर मेरे मन में जो था हमने आपके साथ शेयर कर दिया, और हमको बहुत अच्छा लगा। हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों को जो है अभी महालक्ष्मी देवी के मतलब महालक्ष्मी देवी के दर्शन हो गए हैं, और वहाँ महालक्ष्मी देवी टेम्पल में बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे काफ़ी भगवान है, तो वहाँ सभी भगवान के दर्शन हो गए, अच्छा लगा, अच्छे से दर्शन हुआ भगवान का, पता एकदम सामने से हुए थे, बहुत अच्छा था वहाँ पे, मतलब ओवरऑल अच्छा है, जाना चाहिए सबको जिसको मन है दर्शन करने का। बाकी यहाँ पर हम लोग वैसे तो देव बोला था नरिमन पॉइंट जाना है, हमने कहा नरिमन पॉइंट एकदम एंड में है कहाँ जाओगे, तो यहाँ पे एक मिडिल पॉइंट पर हम लोग हैं, यहाँ पे भी मेरिन ड्राइव है, तो यहाँ पे हम लोग रुके, फिर हम लोग एक जगह वॉशरूम वॉशरूम बन आया था, तो फिर एक रेस्टोरेंट में गए थे वॉशरूम के लिए। बाकी अभी हम लोग ये यहाँ के फेमस आइसक्रीम है, जीरो वॉट वाले आए थे वो भी यहाँ पे आए थे। बाकी यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ का ये फेमस है उसका प्राइस भी बहुत सही है, यहाँ पे सभी लोग जो भी आते हैं वो यहाँ पे आते जरूर आइसक्रीम खाने के लिए, तो फिर हम आपको दिखाते हैं, एकदम सिंपल सा शॉप है, रेट इतना अच्छा बहुत सही, मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, देखिए यहाँ का रेट कितना नॉर्मल है, रुस्तम के डॉट रुस्तम एंड को ऑपरेशन जो भी है, तो यहाँ के काफ़ी फेमस है, यहाँ पे काफ़ी लोग आते रहते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, और रेट भी बहुत सही है। फिर देखिए यहाँ पे सब लोग हैं, सब लोग मज़े से आइसक्रीम खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, और हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ दर्शन किया तो बहुत अच्छा लगा। देव तो हमसे बोल रहा है तुम क्या संन्यास लेने वाले, हमने कहा हम संन्यास की स्पेलिंग ही नहीं पता। पूजा करना अपनी जगह, संन्यास लेना अपनी जगह, वो बहुत हाई लेवल वाली चीज़ हो जाती है, तो वो अलग लोगों के लिए होता है, एक होता है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह के भी पूजा पाठ करके अपने मन को शांति देना, वो एक अलग चीज़ होती है। बाकी ये अच्छा है, ओवरऑल तो बढ़िया है, आज अंतिला को एकदम सामने से देखा, उस दिन भी दो बार देखा, आज एकदम से सामने से ही निकले थे, एक दिन और भी सामने निकले थे, उस दिन अंधेरा तो इतना दिखाई नहीं, अभी रोशनी रोशनी का थोड़ा अच्छे से दिखाई पड़ा, तो अच्छा लगा।
और बाकी अच्छा अभी मज़े किया आज, तो काफ़ी अच्छा लगा, तो एंजॉय कर रहे हैं। बाकी आइसक्रीम वाइसक्रीम खाते हैं, बताते हैं क्या सीन है, फिर हम लोग फिर मिलते हैं वहाँ पे। तो अभी आइसक्रीम आ गई है, खाएंगे हम लोग, एंजॉय करते हैं। बाकी ये ऐसे आता है, जैसे ये बीच में शायद क्वालिटी भी शुरू करी थी, लेकिन यहाँ पे उससे पहले से है और यहाँ पे लोग बहुत एंजॉय करते हैं, तो खाते हैं, तो चलिए हम भी एंजॉय करते हैं। हमने थोड़ा सा अपने लिए कर्ड मंगाया, आज थोड़ा कच्चा प्याज खा रहा है, मेरे पेट जलने लगता है, तो इसलिए यहाँ पे अनस्वीटेंड कर्ड भी था, स्वीटेंड भी था, बाकी ये आइसक्रीम है, तो अब खाते हैं। बढ़िया जो क्वालिटी नहीं निकालती थी उसमें, ऊपर वाला मोटा था, इसका ऊपर वाला एकदम पतला है, और अच्छा आइसक्रीम सैंडविच है, बहुत सही है, बहुत अच्छी है, और रेट भी एकदम नॉर्मल हो रहा है, एकदम बहुत सही है, वैल्यू फॉर मनी है। मेरिन ड्राइव, मेरिन ड्राइव में है, लेकिन देख बोला था नरीमन पॉइंट में आने गए, अभी आइसक्रीम खाई थी, एक और आइसक्रीम खाई वॉलनट वाली, वो भी अच्छी थी। बाकी अभी देखते हैं क्या करते हैं। ये हम लोग मेरिन ड्राइव में बैठे हुए हैं और ये देव बैठा है, और हम आपको अगर भी दिखा रहे हैं, अच्छा है, दिखाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं, संडे तो आज काफ़ी भीड़ है, दिखाते हैं। ये देखिए वहाँ पे लाइट बिल्डिंग सब दिख रही है, सब साइड साइड में तो सब यही है, देखिए लोग ही लोग, लोग ही लोग, देखिए उधर। देखिए यहाँ पे सारे लोग हैं, बहुत लाइवली है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है, सब लोग यहाँ पे बैठो ऐसे। यहाँ से वो ताज भी दिख रहा था, तो ये मैंने देखो आपको फिर से दिखाते हैं, हम लोग बैठे हुए थे तो देख रहे थे वो ताज वहाँ पे, अच्छा लगता है। और यहाँ पे पूरा सब लोग हैं ऐसे करके, ओवरऑल बढ़िया है, मज़े किए हम लोगों ने। अभी उबेर बुक कर रहे हैं, यहाँ से उबेर दिखा रहा है 800 रुपये, मतलब यहाँ का उबेर बहुत है, मतलब जैसे पता नहीं शायद यहाँ का कितना किलोमीटर का है वैसे, अभी आज के हाँ आज संडे है तो थोड़ा सा वो कर दिया, पिछले दिन तो 650 हाँ आज हाँ अभी तो महालक्ष्मी जी का संडे है, तो संडे को उबेर थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, तो मतलब शाम वाम के टाइम पे, तो अभी शायद और लेट हो जाएगा तो और एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो अभी तो खैर हम लोग का ठीक है, तो हम लोग कर लिया अभी। बाकी संडे का ध्यान रखिएगा, संडे को भीड़ इतनी रहती है, और किसी दिन आएंगे तब इतना नहीं होगा, और बाकी ट्रेन व्रेन से भी जा सकते हैं, ट्रेन व्रेन में थोड़ा सा भीड़ भीड़ रहता है, बाकी जाने को तो जाया जा सकता है, अच्छा है, ट्रेन का सर्विस भी बढ़िया है यहाँ का। बाकी यहाँ पे अच्छा लगा हम लोगों को, तो अब जो है सैनदीप जो है यहाँ पे आए हुए हैं, और सुकुमार दा है, उन्होंने जो है आज देव के लिए और हमारे लिए भी बहुत प्यार से चिकन बनाया है, तो देव का तो एकदम मामला सेट है, आज रात में तो कोई घर वाला छोल का चिकन खाएगा, और हम थोड़ा चिकन भी खाएंगे, बाकी थोड़ा देखते हैं वेज में, थोड़ा सा वहाँ से ही ले लेंगे, वो तो मेरा अभी सरोवर तो फेवरेट हो गया है तो सरोवर का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, तो कोई भी कांदीवली रीजन में आया और जो वेजिटेरियन पसंद करता हो तो वो वहाँ से खा सकता है, खाना वहाँ का अच्छा है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
फिशेस भी हैं, अच्छा लग रहा है। अपना जो होगली टू वाला ब्रिज की तरह ही है यहाँ का ये ब्रिज, नाम तो अभी हमें देखना पड़ेगा। राज क्या है? राजीव गांधी सीलिंग पे बोलना, मेरे को नहीं पता भैया, मैंने नहीं किया गूगल पे बोलना, मतलब वही अपने होगली टू की तरह है। अच्छा है, बढ़िया है, दोनों भाई भाई हैं। उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे, आज ये अच्छी वीडियो बन गई, बढ़िया से अच्छे से, काफ़ी लंबा ब्रिज है, अच्छा है। ये देखिए कितना अच्छा समंदर लग रहा है, एकदम लेवल में लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। शायद दिन के टाइम मैंने ध्यान ना दिया हो इस बात पे, लेकिन अच्छा है। वो था सी लिंक वाला ब्रिज और उसको क्रॉस करके यहाँ पे ये है, यहाँ पे एयरपोर्ट जाने का रास्ता है। तो बहुत खूबसूरत सा वो बना हुआ है शिवाजी का मूर्ति, तो मेरा काफ़ी मन था आप लोगों को दिखाने का, इसलिए मैंने आज जो है पहले से बैठ गए, मतलब वेट कर रहे हैं कि वो आएगा तब वीडियो बनाएंगे। हम दो तीन बार यहाँ पे देखा, मेरा मन किया आप लोगों को भी दिखाने का। ये जो है ये एयरपोर्ट का सिग्नल्स को मतलब लाइट वो देता है, मतलब कंट्रोल करता है, इसको क्या बोलते हैं वो घूम रहा है लाइट, ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। अब जिस चीज का पिछले आधे घंटे से हम वेट कर रहे थे, अब वो है यहाँ पे, दिख जाओ दिख जाओ दिख जाओ दिख जाओ, ये ब्यूटी शिवाजी की तस्वीर। जैन स्वीट्स है और ये एक और दुकान है और ये रेलवे स्टेशन है और ये जो हम लोगों की जो शॉप है, हमें खाना खाना बहुत पसंद है सरोवर, तो इसी से शाम का खाना पैक कराने ले आए, तो अब यहीं पे खाएंगे। मेरा बटर पनीर और ये चावल और देव का ये चिकन और चावल और मेरा छाछ। देव आज कह रहा संडे वाला खाना हो गया, संडे वाला। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ज़फ़ायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।